anybody know the question? CJ, back to some part. It has a month and it has a year.
तो इट मींस मुझे इसके लिए एक अलग स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। पहले तो मैं इसके लिए अलग स्ट्रक्चर बनाता हूँ, बना लेते हैं। क्या नाम रखते हैं स्ट्रक्चर? स्ट्रक्ट बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं क्या? डेट। ओके, और डेट में क्या चीजें आएगी? तीन चीजें आएगी। एक और क्या? इंटीजर डे, इंटीजर डैश। हाँ, इसके बाद क्या आएगा? सर कैरेक्टर ऑफ द मंथ। नहीं, इंटीजर मंथ और इंटीजर क्या आएगा? ईयर। ठीक है, बाद में ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ऊपर लग गया। ओके, व्हाई? इसके हमने इसको कुछ नहीं यूज करा है। ओके, तो मेल से ऊपर सबसे पहले ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा। ऑलराइट, सो फार सो गुड। तो मैं सबसे पहले ये स्ट्रक्ट बनाना है, सॉरी सबसे पहले ये स्ट्रक्ट बनाना है डेट का, और उसके बाद हमें स्टूडेंट का स्ट्रक्ट। ठीक है, स्टूडेंट स्ट्रक्ट में आप बताएं यहां पे क्या चीज आनी है? डेट टाइप का क्या आ रहा है? डेट। हां, स्पेलिंग डी ओ बी, डी ओ बी, डेट ऑफ बर्थ। ओके, ऑलराइट। तो स्टूडेंट का जो स्ट्रक्चर है उसमें ये चार चीजें हैं। वन इज द नेम, नेम इज इज ए कैरेक्टर पॉइंटर जो हम कितने साइज से बनाना चाह रहे हैं, जितनी हमारे एग्जैक्टली नेम की लेंथ होगी उतने ही हम सेव करना चाहते हैं। वी ऑल एग्री? ओके, उसके बाद हमारे पास रोल नंबर है, और फिर हमारे पास मार्क्स हैं, और उसके बाद हमारे पास एक डेट टाइप का डेट ऑफ बर्थ है। ओके, व्हाई डेट टाइप और डेट ऑफ बर्थ? बिकॉज़ डेट इज ए कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। तो डेट हैज थ्री पार्ट्स, डे, मंथ एंड ईयर। Everybody understand this thing? Okay? तब क्या लगता है? शाबाश। तब एक काम करते हैं, वो ये के जी जो स्ट्रक्ट डेट बताया है उसके अंदर हमने सारे इंट ही रखे हैं, तो फिर फायदा क्या होगा जब ना मेरे सारे इंट हैं? तो वहाँ पे भी अभी हम जरिए कर दिए पहले अगर स्ट्रक्ट ना भी बता एक ही टाइप की चीजें पड़ी है तो स्ट्रक्ट फिट बनाने का फायदा क्या हुआ? सर मेरे फायदा बेटा ये होता है कि हमारी जो हमने यू विल सी इन अ वाइल कि अगर मैंने ये सारी चीजें अलग अलग करके बनानी होती तो होता ये कि मेरे पास एक्चुअली एक अरे सिर्फ नाम की होती है, एक अरे जो है वो रोल नंबर की होती है, एक अरे सिर्फ मार्क्स की होती है, एक अरे सिर्फ डे की होती है, एक अरे सिर्फ मंथ की होती है, एक अरे और लाख बता जाता। ई-वोटिंग में तुमने देख लिया होगा कि जब तुम पॉइंट से करते हैं तो तुम्हें दो अरे रखने पड़ते हैं। अब अगर तुम्हें एक दो तीन चार पाँच छः अरे रखनी पड़े और फिर उनको साइमल्टेनियसली तुम्हें हैंडल करना पड़े तो बहुत गंदा करते हैं ताकि हम इकट्ठा एक से ही हैंडल करें। ठीक है, ऑलराइट, so far so good, okay, all right। अब एक काम करते हैं, वो काम ये है, जैसे पहले इसको लोड करना पड़ेगा, है ना? तो एक काम करते हैं, इंटीजर मेन में जाते हैं, पहले हम बड़ा सिंपल सा काम करते हैं, इसके बाद एक थोड़ा सा इसको स्पीड में करते हैं, वो ये कि हम पहले ये जो स्ट्रक्चर हमने बताया है स्ट्रक्चर की पहले करे बनाते हैं और नंबर मार्क्स को डेटा कितना आता है, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल 100 ज्यादा नहीं होता, हमारी फाइल में डेटा होगा वो 100 ज्यादा साइज का नहीं होगा। ठीक है,
ऑलराइट, और हम एक ऑफ कोर्स एक इंटीजर s बना लेते हैं, y s साइज, ये कौन सा s होगा? हाँ, जितने हम फाइल से रीड करेंगे। ओके, तो अगर फाइल में तीन, यहाँ पे तीन पड़े हैं तो यहाँ पे s में तीन वैल्यू है, तो हम इसमें से इस रिकॉर्ड की अरे में कितने यूज करेंगे। क्या मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आप स्टूडेंट टाइप का ये सी आउट पढ़ना, सी आउट साइज ऑफ, और यहाँ पे लिखूं स्टूडेंट, साइज ऑफ क्या होता है? साइज ऑफ का एक ऑपरेटर होता है, तो ये पैरामीटर होता है, यानी पूरे अरे में जितना एड्रेस है उसको कितना साइज है वैल्यू देता है, साइज ऑफ कितने बाइट्स आपने एलोकेट किए। ये देखिए स्टूडेंट कहते हैं, अगर मैं साइज ऑफ यहां पे स्टूडेंट कह दूं 24, तो ये 4 बाइट, ये 4 बाइट, ये 4 बाइट, ये कितने हो गए 12 बाइट, बट ये एक अगेन एक स्ट्रक्चर है, तो इसी कितने बाइट्स में एलोकेट किए हमने 4 4 4 12, तो टोटल स्टूडेंट कितना साइज ऑफ 24, तो इट इज 24 बाइट स्पेस जी। तो अभी हम थोड़ा सा समझते हैं विस्टक्स के साथ आपने डायनेमिकली कैसे बनानी है उन्होंने कहा, ठीक है, ऑलराइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस थिंग सो फार? यस सर। ओके, ऑलराइट, तो जी डबल लिखने क्यों नहीं, जब मैं कहूं तो क्या, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम यहां से इरेज कर देते हैं। अच्छा, आप जी पहला मुझे कहाँ बताएं क्या करना चाहिए, हमें रीड करना चाहिए ना, तो पहला जो मेन फ्लो है उसमें स्टेप क्या होना चाहिए, रीड डेटा। जी कैन यू टेल मी रीड डेटा में क्या पास होना चाहिए? रिकॉर्ड पास होना चाहिए और साइज पास होना चाहिए, ये बाय रेफरेंस आएगा, ये भी बाय रेफरेंस आएगा, ये ऑटोमेटिकली बाय रेफरेंस हो जाता है, व्हाई? बिकॉज़ हम एक्चुअली जब उसका नाम भेजते हैं तो क्या जाता है? ओके, जी रीड हमने डेटा कर लिया, उसके बाद अगर सब क्या होना चाहिए, यूजर से पूछेंगे किस लिहाज से सॉर्ट करना है, वो तो हमारा बात होगा, पहले हमें चेक करना है कि हमने जो डेटा रीड किया वो डेटा रीड ठीक नहीं किया, तो वो हम कैसे करते हैं, यहाँ पर हम मिलते हैं क्या, प्रिंट रिकॉर्ड, और इसको क्या पास करेंगे, ऑफ कोर्स ये भी रिकॉर्ड ही पास करेंगे, और क्या पास करेंगे, Alright, इसे नाम क्या रखते हैं हम, रीड डेटा, जी क्या होना चाहिए, यहाँ क्या बनेगा, स्टूडेंट टाइप की, हाँ जी बताएं यहाँ क्या होगा, स्टूडेंट टाइप का रिकॉर्ड होगा, और यहाँ पे क्या पास हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इंटीजर एम परसेंट डी क्या पास होगा, एस पास होगा, जी आपने पहला काम बेटा क्या करना है, ऑफ कोर्स एक रीडर बनाना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे स्ट्रीम रीडर बनाएंगे, स्ट्रीम रीडर, और यहाँ पे हम जाके लिखते हैं क्या क्या नाम लिखा, फाइल ए डॉट टी सी एच फ्रॉम डी डॉट टी एच, ठीक है, या रिकॉर्ड डॉट टी सी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो पहला काम ये करना है कि हमने इसका साइज रीड करना है, ठीक है, बाद में यहां पर मैं क्या लगाना चाहिए, इफ रीडर नॉट रिकॉर्ड, तो यहां क्या चेक लगा दें, सी आउट स्टूडेंट ओपन फाइल, और यहां पे हम क्या करते हैं, एग्जिट पास, एग्जिट पास, ठीक है, ये जरूर लिखा करें ताकि आपको एमए की पूछने ना, ठीक है, इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, आई थिंक आप वॉक कर लीजिए, उसके बाद हम क्या करें,
हमने अगर तुम देखो तो हमने एक्चुअली डेटा रीड करना ही वाला मान लगा हां। सबसे पहला काम हमारा ये है कि पहले हमने लीडर के थ्रू क्या रीड करना है, लीडर के थ्रू हमने एस वी ऑल एग्री ठीक है। हमने बेटा यहां पे क्या रखा हुआ है, नेम रखा हुआ है। अच्छा हम क्या डायरेक्ट नेम इनपुट करवा सकते हैं, एलोकेट करना पहले हमें एलोकेट करना पड़ेगा बाय, क्योंकि अगर हमने डायरेक्टली सी एन नेम करवा लिया तो दैट विल बी एन एरर, एक्चुअली वो आपकी सब्सक्रिप्शन आएगी और आपका प्रोग्राम क्रैश कर देगा। व्हाई? बिकॉज़ दिस नेम होल्ड्स एन इलीगल एड्रेस, ए गार्बेज एड्रेस। और अगर आप कहेंगे भाई हीप की इस जगह पर मेमोरी लोड करना शुरू कर दो तो वो आई मीन ब्लास्ट कर देगा ठीक है। एवरीबॉडी एग्री? आपका प्रोग्राम क्रैश कर देगा। किसी को ये बात समझ में आए जीता है अभी जब इसको बनाया था चार क्वांटम हां अभी का इसने 4 बाइट मेमोरी ले लिया, 4 बाइट जिसने अपनी लोकल मेमोरी लिया, लेकिन हीप पे किस जगह पर पॉइंट कर रहा है वो तो हमने एलोकेट ही नहीं किया ठीक है। ऑलराइट अब हमने क्या करना है, हमने एक्चुअली डेटा रीड करना है ना, कितना डेटा रीड करना है। तो एक फॉर लूप लगेगा, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एस, और यहां आएगा आई प्लस प्लस। डू यू ऑल एग्री विद दिस स्टेटमेंट जी? अब हमने क्या करना है, तला ये देखो हां जी, अब हमने क्या करना है, स्टूडेंट न्यू न्यू चार्ट के कितने साइज का सर? एस नो सर, गेट लेंथ, गेट लेंथ भी करेंगे तो पूरी रो रीड कर लेगा, दैट्स अ प्रॉब्लम। लेवल से डॉट तक, हां जो डॉट आ, बाय द वे हमने डॉट रिमूव कर दिया, स्पेस आ गया, हां नाम स्पेस नहीं आती। और बाय द वे अगर हम यहां पर चला भी लेता जी तो जब तक कि स्पेस नहीं आती, स्पेस नहीं आती है कभी, जब भी आप यानी आप बकायदा एक्स जो एक्टिंग के लिए ये वाला तरीका होता है रीड करने वाला, उसके थ्रू आप ये रीड कर सकते हैं ठीक है। अगर आपने स्पेसेस भी रीड करवा दी तो इसका एक तरीका ये होता है कि यहाँ पर आप आखिर में डॉट लगा दें। डॉट का मतलब पता क्या, डॉट का मतलब ये है कि भाई मैं फॉर एग्जाम्पल डॉट तक रीड करना चाहता हूँ। ये आपको याद है मैंने आपको बताया था कि ये होता है सी इन डॉट गेट लाइन। एक आई डोंट नो कुछ लोग ने ये लिखा था उन्होंने यूज किया बैकस्लैश एन पे आ जाता है ठीक है। अच्छा भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सी डॉट गेट लाइन जो है वो क्या करना, जब तक तब तक रीड करते जाऊंगा जब तक क्या ना हो जाए, या तो 100 डेटा कंप्लीट ना हो जाए ठीक है, या क्या ना हो जाए मुझे बैकस्लैश एन ना मिल जाए। ये बात सबको समझ आ गई ठीक है। इन दोनों में से कोई एक बड़ा होगी तो मैं रुक जाऊंगा, या तो मैं मैक्सिमम 100 तक रीड करूंगा या फिर मैं क्या करूंगा, या मुझे बैकस्लैश एन मिल जाए तो मैं रीड करना रुक जाऊंगा। एक्चुअली जब मैं इसको यहां पे कॉल करता हूं तो इस ए अरे में ये पूरी की पूरी लाइन आ गई, क्यों ये बैक स्लैश से बात है, सबको बात समझ आई। अच्छा अगर मैं इस फाइल में इसके बाद यहां पर डॉट लगा दूं, यानी फाइल पर अली रजा के बाद में डॉट लगा दूं, तो अब एक और चीज हो सकती है वो ये कि ये जो कैरेक्टर है ना वो बैक स्लैश है, इसकी जगह अगर मैं डॉट लिख दूं तो डॉट का मतलब पता क्या है, डॉट का मतलब ये है कि मैं रीड करना शुरू करूंगा और कब तक रीड करता रहूंगा जब तक कि डॉट नहीं आता, और मैं हर नाम के बाद यहां पर डॉट लगाता हूं चाहे ध्यान में स्पेसेस हो, अली रजा खान आई मीन क्रिया पर तो वो, और उसके बाद मैं डॉट लगा दूंगा तो पूरा का पूरा नाम रीड करेगा ठीक है, और जब तक कि वो डॉट नहीं आता। अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब सीन डॉट गेट लाइन है जैसे उसको डॉट मिलता है वहां पे रुक जाता है, यानी बफर से वो रीड करना शुरू करता है, वो तब तक रीड करता रहता है जब तक उसका क्या कैरेक्टर नहीं मिल जाता, ये डॉट कैरेक्टर नहीं मिल जाता, सबको बात समझ आई। अच्छा लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपका कर्सर जो है जो तो रीड करना रीडिंग वाला जो पूरा आपका रीडर वाला जो आप कह सकते हैं वो कहां पर इस वक्त रुका हुआ है, डॉट पे रुका हुआ है।
अब एक बात याद रखना, अब अगर आप सी इन करवाएंगे सबको बात सुनाए, सो दैट्स द प्रॉब्लम। मसला यह है कि हमने डॉट को रीड नहीं करा, एक्चुअली वो प्रोग्राम क्रैश हो गया भाई। मैंने आप अगर रीड अगली वैल्यू रीड करवाना चाहते हैं कि टीचर में और रीड उसने क्या कर लिया है, कैरेक्टर कर दिया है, तो वो बनी क्या करना शुरू करता है। तो उसका तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले इसके फौरन बाद एक और काम करें, यहाँ पे लिखिए सी एन डॉट इन, सी एन डॉट इन नोड। व्हाट इज सी एन डॉट इन नोड? सी एन डॉट इन नोड इज अगेन ए फंक्शन जो आप कॉल करते हैं सी एन के साथ एसोसिएटेड होता है। और इसका मतलब क्या है कि मैंने अगला कैरेक्टर जो मर्जी है इग्नोर करा, इसको इग्नोर करने का मतलब यह है कि वो डॉट में कॉल करो, यहाँ पर वो एक्चुअली कहाँ चला जाएगा, या तो इधर क्यों रखा हुआ, जब वो यहाँ पे डॉट पे रुका होता वो कहाँ चला जाएगा, वो एक आगे होगा। ठीक है, सबको बात समझ आई? ठीक है, सब एक वहाँ पर हम लोगों ने कॉमा लगा के मतलब ए का साइज लिखा और उसके बाद कॉमा लगा के आपने जो भी करता है चाहे आप देखो यहाँ पर हैश लिखते हैं और यहाँ पर हैश लिखते हैं जो मर्जी। ठीक है, बाद में दूसरा नाम भी गेट लाइन करके फिर लिखेंगे। ओके, हम पहला काम ये करते हैं कि यहाँ पर अब हम अच्छा एक और काम करते हैं, यहाँ पर ना हम कैरेक्टर अरे बनाते हैं 100 साइज। ठीक है, क्या आप देखिए यहाँ पर छोटा काम कर रहा हूँ, बड़ा इम्पोर्टेंट काम। ठीक है, मैंने ये लोकली एक अरे बनाई कितने साइज की, 100 साइज की, किसी को ट्रांस तो नहीं है, ये सोचने से बाहर निकलेगा तो एट डिस्ट्रॉय हो जाएगी, है ना, तो कोई मसला नहीं, मैंने अभी तक कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं। ठीक है, मैं काम करता हूँ यहाँ पर, मैं लिखता हूँ एफ रीडर डॉट गेट लाइन, पहले सबसे पहले मैं नाम लूंगा और मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस अरे में रीड करता हूँ इसका मैक्सिमम लेंथ 100 हो, मुझे किसी का नाम 100 से बड़ा तो नहीं है भाई का, अरे हाँ 10 दे मोहम्मद से पिला ला दो, मोहम्मद से पिला ला दो, यहाँ पर हम ए लिखते हैं, यहाँ पर 100 लिखते हैं और यहाँ पे ना हम डाल देते हैं डॉट, फुल स्टॉप है डॉट। ठीक है, इसका मतलब है कि मेरा ये पहला रीड करेगा और ये डॉट तक वो सारा रीड करेगा। ठीक है, हमने ये रीड कर लिया, ये भी ना दे मर्जी का है बट कर इमेजिन कि ये यूं हो रहा है, सब स्पेस भी डाल सकते हैं डॉट में, हां डॉट यूज स्पेस स्पेस डाल सकते हैं, फिर वो वैसे ही काम करेगा जैसे आम तौर पे रीडर भाई वाला नहीं कॉल करता काम करता, वो वैसे ही पर अगर किसी हम यूजर से नाम लिखवाते हैं हाँ तो एंड पे उसको थोड़ी ओवर डॉट डालना, हाँ मैं नाम डॉट डाल दूँगा अगर आपने ये वाली कंडीशन लिखी है, और अगर आप आपने नाम में स्पेस नहीं डाली, अगर आपने नाम में स्पेस नहीं डाली और कहते हैं पूरा पिट्ठे उठा ले तो वो जिस तरह पहले तो जिस तरह रीड नहीं कर रहे आप डायरेक्टली इसी जगह क्या लिखते हैं, इसी जगह लिखते हैं रीडर रीडर ए। ठीक है, कोई तरह मुझे कोई मसला नहीं है सर। ठीक है, फिर मैं चाह रहा हूँ कि आपकी रिकॉर्ड करें, मैंने एक महीने शिश करा। ठीक है, अच्छा लेकिन आप देखो मैंने ए में रीड किया, लेकिन मैंने ए में रीड नहीं करा, मैंने किस में रीड करा था, मैंने तो स्टूडेंट रिकॉर्ड के पहले रिकॉर्ड के ऊपर एक्चुअली आईएस रिकॉर्ड के ऊपर जाके वैली रखी थी, वो मैं कैसे रखा कैसे दे रहा स्टूडेंट डॉट नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट, इसका हमने क्या पास किया है नाम रिकॉर्ड लिखा ना, इसमें रिकॉर्ड की जगह आर रखता हूँ, इसमें कहता हूँ आर। ठीक है, आर की एसेट है, सॉरी आई एस है, इसकी मैं आई एस एंट्री करता हूँ, और अब आपको याद है मैंने कहा था कि कैसे एक्सेस होता है उसका नाम डॉट, तो मैं यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब क्या है, कौन से वाले मैं कौन से वाले रिकॉर्ड की रिकॉर्ड है 100 की मेरी अरे बन गई है, तो मैं कौन से वाली एंट्री एक्सेस कर रहा हूँ उसकी आईएस एंट्री एक्सेस करो, आईएस एंट्री क्या है 0 तो मैं उसकी 0 एंट्री एक्सेस करूं, है ना,
और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके जो नेम है इसको मैं जाके क्या ये साइन करूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर मैं ये कर दूंगा तो क्या होगा? एरर नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा। एक्चुअली आपका जो नेम है वो कहां पॉइंट करना शुरू हो गया? हां, जहां पर ए पॉइंट कर रहे हैं। आपने जी पहला नाम लिख दिया अली रजा, है ना? ये लूप, अच्छा बाय द वे ये आगे वाली लाइनें होगी वो मैं इग्नोर कर रहा हूं। फिर दूसरी दफा अगला रिकॉर्ड लूप करना शुरू करेगा, तो ए में क्या आएगा? ए में अब अगला वाला स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, जो क्या है? उमर सलमान है। उमर सलमान का मतलब क्या है? अगले जो अगले वाला पॉइंटर वो भी उस ए की तरफ पॉइंट करेगा, और ए हमारी अब डिस्टर्ब हो चुकी है, ए हमारी अगली तो रिप्लेस हो चुकी है। एक्चुअली दोनों के दोनों पॉइंटर जो है वो ए की तरफ ही पॉइंट करेंगे। तो हमारा क्या मसला हुआ? हमारा डेट, हमारे सारे पॉइंटर्स जो नेम वाले हैं वो उसी बेचारे अरे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, और वो अरे जो है वो दोबारा रीलोड हो जा रही है। तो क्या हुआ? और एक्चुअली जब मेन जब इस फंक्शन से वो बाहर निकलेगा तो वो तो एक्चुअली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो कुछ भी नहीं आएगा। ये बस नहीं, या अगर आखिरी वाली जो वैल्यू अली हसन वाली, बस वही वैल्यू सारे के सारे जो है वो मेरे नाम में क्या लिखा हुआ? अली हसन। सबको बात समझ? Everybody understand this thing. तो ये एक problem है। इस problem को हल कैसे करें? हमें सबसे पहले इस name की नई memory बनानी है। अब वो मैं कैसे बनाऊँ? ये देखेंगे। शाबाश। और वो कैसे लिखते हैं? मैं थोड़ी सी तुम्हें बात बता रहा हूँ, जो कि तुम्हें as a helping के तौर पे पता होना चाहिए। वो ये कि इस तरह को याद है हमने header file ऊपर include की, है ना? इसी तरह एक हेडर फाइल होती है जो हम इंक्लूड करते हैं, इसका स्ट्रिंग डॉट एच, ओके, स्ट्रिंग डॉट एच या सी स्ट्रिंग डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच। उसमें ना बहुत सारे फंक्शन और बड़े बड़े कमाल फंक्शन, ठीक है? उसमें तो मैं कुछ कमालियात को बताता हूँ, ठीक है? अच्छा, उसमें एक फंक्शन है जिसका नाम है एस टी आर एल ई एम, और इसमें ना क्या बात होता है, इसमें कोई भी कैरेक्टर पॉइंटर नहीं, तो उसकी लेंथ पता चलती है। ये उसकी लेंथ बताता है। यदि फॉर एग्जांपल अगर कैरेक्टर पॉइंटर जिस की तरफ पॉइंट कर रहा था उसमें पड़ा हुआ था ए बी सी, है ना, और बैक स्लैश जीरो, है ना, यही है ना, ठीक है? तो एक्चुअली ये कैरेक्टर पॉइंटर जिस तरफ पॉइंट कर रहा है ए बी सी और बैक स्लैश जीरो है, पता कितनी लेंथ आई? 3 लेंथ आई। फैसले स्ट्रिंग का टाइप की जरूरत नहीं है, हां ये सब वैसे भी चलता है। नहीं मैं फॉलो नहीं करता, नहीं ऐसे चलता है, ठीक है? लेकिन अगर ना तो स्ट्रिंग इंक्लूड कर रहे हैं, और स्ट्रिंग इसी तरह बहुत मतदान होता है, बहुत फंक्शन जो है वो बड़ा जबरदस्त है, नाम है एस टी आर सी पी वाई। इसे कहते हैं स्ट्रिंग कॉपी। स्ट्रिंग कॉपी क्या करता है? यहाँ पर इसको एक पॉइंटर आता है, एक कैरेक्टर पॉइंटर 1 आता है और एक कैरेक्टर पॉइंटर 2 आता है। ये पता क्या करता है? ये कहता है जहाँ पर भी P2 पॉइंट कर रहा है वहाँ से स्ट्रिंग पूरी पूरी कॉपी करना शुरू करो, और किस जगह कॉपी कर दो? P1 जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ पर कॉपी कर दो। और कितनी कितनी कैरेक्टर कॉपी होंगे जब तक कि P2 के आगे चलते चलते कहाँ क्या नहीं आया था? जैसे ही नल आया वो रुक जाएगा, नल भी कॉपी कर देगा। अगर हमने कॉपी करवानी हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बाद में ये आप चाहे तो खुद भी लिख सकते हैं, अंदर एक फॉर लूप लगा हुआ है या व्हाइल लूप लगा हुआ है, जब तक कि आप ith इंडेक्स का कहाँ नहीं पढ़ता नन मिल रहा है, और आप उसे बस स्टैटिक p1 को आप क्या असाइन करते जा रहे हैं स्टैटिक p2 से, ठीक है? ये बहुत आसान फंक्शन है, इन दोनों आप खुद से इंसान लिख सकते हैं। हो सकता है ये आपके क्विज का, और यहाँ हो सकता है ये आपके मिड टर्म एग्जाम यही बनाने की जा रहे हैं, तो मैं ये बना रहा हूँ बात बाद में। लेकिन ये जो हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि टेक्स्ट एडिटर है, उसमें एक्सटेंसिवली आपकी ये सारी लाइब्रेरी होगी। यदि इसमें बहुत सारे और फंक्शन हैं जो कि मैंने अभी बताया, एक और स्ट्रिंग कंपेयर एस टी आर
सी एम के, और इसको भी पी वन पॉइंट ऑफ पास होता है और पी टू पॉइंट ऑफ पास होता है। ये पता क्या डिपेंड करता है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, ये डिपेंड करता है या तो वन या जीरो या माइनस वन। अच्छा जीरो बताओ कब डिपेंड करता है, जब वो दोनों के दोनों कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, कैरेक्टर स्ट्रिंग्स जो है वो सेम, ओके, कब वो वन आउटपुट करता है, जब उसकी लेफ्ट वाली स्ट्रिंग राइट वाली स्ट्रिंग से बड़ी। बड़ी का मतलब क्या है, कैरेक्टर ज्यादा नहीं, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर, डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब और जीशान में लिखा हुआ है तो कौन पहले आएगा, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रिंग कंपेयर है ये वन डिटर्न करेगा, अगर यहाँ पर लिखा हो जीशान, यानी पी वन का पॉइंट कर रहा है जीशान की तरफ और जिस तरफ पॉइंट कर रहा है जाबीर, तो ये क्या डन करेगा, आपकी जो अल्फाबेटिकल कंपेयर होता है ना, लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर होता है, देखिए अगर 1 2 3 वगैरह लिखेंगे तो फिर वो ASCII वैल्यू देता है, ASCII वर्ड नंबर, अगर मैं लिखता हूं ए ए और ए लिखता हूं ए ए तो कौन सा पहले आएगा, ए इसकी होगी 65 और ये होगी 97, ये है 97 और 65, कौन सा पहले आना चाहिए, ये वाला लेक्सिकोग्राफ में पहले आना चाहिए, ये पहले, बट अगर नंबर है तो नंबर तो होगी, नंबर भी पहले आना चाहिए, नंबर पहले आना चाहिए, ये तो 1 2 3 पहले लिखा है, जब जीरो जीरो जो कैरेक्टर है उसकी आपकी वैल्यू क्या होगी, 48 होती है, देख लेना जरा, इसे अगर प्ले अराउंड करोगे तो पता लग जाएगा कैसे करना, ठीक है। खैर जो मैं यहां करना चाह रहा हूं वो क्या है, पहला काम ये है जो मैं ऊपर कर रहा हूं, पहला काम मैं क्या करना चाहता हूँ, अच्छा बेटा पहला काम हम क्या करना चाहते हैं, पहला काम ये करना चाहते हैं कि हम ये डेटा जो है वो लोड करें, और लोड करने के बाद यार अब हमने एक लोड किया लेकिन हमने तो उसको लोड यहाँ नहीं करा, हमने डेटा लोड करा था रिकॉर्ड में, हमने एक्चुअली रिकॉर्ड की पहली एंट्री में लोड करा था, तो वो हम कैसे करेंगे, हम जाते हैं सबसे पहले रिकॉर्ड यानी आर के ऊपर, उसकी आईएसएनटी का मतलब क्या है, मैं किसकी रिकॉर्ड तो मैं बनाऊंगा, रिकॉर्ड एक्चुअली 100 साइज के ब्लॉक्स पर है ना, कि मैंने पहले वाला ये मेरा 0th ब्लॉक है, ये मेरा 1th ब्लॉक, तो इसमें यहां पे 12 बाइट्स पड़े हैं है ना, और ये डेट का पूरा ब्लॉक पड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ना, ऐसे करो प्लीज, ऐसे पढ़ो, ठीक है। तो मैंने 0 ब्लॉक के नेम को असाइन करना है, मतलब ये नेम एक पॉइंटर है, हम चाहते हैं ये पॉइंट करे हीप में एक जगह पर, और उस हीप पे क्या लिखा होना चाहिए, नाम, कौन सा नाम चाहिए, पहला मतलब अली रजा, अली रजा, ठीक है, और बाद में कुछ बैक स्लैश 0 लिखा हो तो क्या नहीं, ठीक है। अच्छा हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आर आई पे जाते हैं, डॉट करेंगे तो हम इसके अंदर आ जाएंगे, हम इसके नेम को एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ नेम लिखा हुआ है, डॉट नेम लिखा हुआ है ना, इज इक्वल टू हम कर देते हैं न्यू, और यहाँ पे हम लिखते हैं न्यू क्या है, और यहाँ पे लिखना हमने कि मेरा साइज की हमने लोकेट ओके, उतनी लेंथ की लोकेट करें या एक ज्यादा की लोकेट, एक ज्यादा, वाई एक ज्यादा, क्योंकि हमने नल भी कॉपी करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, इसको मैं सीधा रखूँ, ये मजीद टॉर्च है बड़ा, ठीक है, ये यहाँ पर मैंने ऐसे, इस करेक्ट ना, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ मैंने फॉर लूप लिखा है, फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एस, आई प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ मुझे बिल्कुल सीधा हो जाता है, वहाँ भी सीधा
अब ये सीधा ना अच्छा सबसे पहले हमने क्या किया ऊपर वाले लीडर वाली लाइन आपने बोली तो नहीं है यहाँ पे कहते हैं लीडर लीडर में सबसे पहले आपने ए में लीड किया ए हमारी क्या है कोई जो नेक्स्ट सिंपल कैरेक्टर वाले करेंगे कैरेक्टर ए कितना साइज की 100 ठीक है कि लीडर में मैंने ए में मैंने लीड कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम कहते हैं आर की आई एथ एंट्री पे गए उसको हमने डॉट किया उसके बाद हमने नेम किया इज इक्वल टू न्यू यहाँ पे लिखा हमने कैर यानी जूम कर यहाँ पे हमने कैर किया और यहाँ पे हमने क्या किया अब लिखते हैं एच टी आर एल ई एन और यहाँ पे हम भेज देते हैं और यहाँ करते हैं हम प्लस ठीक है अब एक्चुअली क्या हुआ अगर मैंने पहले वहां पे अली रजा गेट किया था तो ए में तो अली रजा लिखा हुआ आ गया अली रजा और बैक साइड जीरो ठीक है कितनी जगह फिल हो गई 8 जगह फिल हो गई है ना 8 जगह फिल हो गई जब ये एसटीआर एलियन कॉल रेट ये कितना रिटर्न करेगा ये 7 रिटर्न करेगा व्हाई 7 क्योंकि बैक साइड जीरो को नहीं कॉल ठीक है हमने प्लस 1 की एलोकेट की और फिर हमने क्या किया अब अगला काम हमारा सिर्फ रह गया कि हमने कॉपी करना अब कॉपी कैसे करेंगे हम कहेंगे एस टी आर सी पी वाई स्ट्रिंग कॉपी और यहाँ हम क्या कॉल करेंगे यहाँ पे हम कॉल करेंगे आर आई का डॉट नेम यानी इस जगह कॉपी करना है और कॉपी क्या करना है ये हमारा नहीं सिंपल है सिंपल है अगर तुम ए प्लस वन लिख दोगे ना यहाँ पे तो वो अली रजा की जगह ली रजा अगला केस क्या है और फिर अगला क्या आ जाएगा इसी तरह आ जाएगा आर आई डॉट डी ओ बी डॉट ठीक है और फिर क्या आ जाएगा आर आई आप यहाँ पे